नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज को और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार भाजपा के कद्दावर नेता और केंद्र में मंत्री गिरिराज सिंह ने राजनीतिक संन्यास लेने का मन बना लिया है। ये हम नहीं बोल रहे हैं बल्कि गिरिराज सिंह खुद बता रहे हैं। आज वो कटिहार में थे। कटिहार में पूर्व केंद्रीय मंत्री निखिल चौधरी के आवास पर जब वो पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने बताया कि वो क्यों राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आप सुनिए वो क्या कुछ कहते हैं। अध्यक्ष ने कह दिया है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। जहां तक मेरा सवाल है, ना मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूं, ना मेरी काबिलियत है। हम ना आए थे एमएलए एमपी बनने के लिए, हम तो आए थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। उन नारों के साथ हुए आए थे, बच्चा बच्चा राम का, अयोध्या में राम मंदिर स्थापना का। मेरा काम तो पूरा हो गया है, मेरे जैसे लोगों का अब राजनीति से अलविदा लेने का समय आ गया। दिन मेरा खास करके जनसंख्या नियंत्रण कानून हो जाएगा, मैं राजनीति से अपने को अलग कर लूं। तो आपने सुन लिया, गिरिराज सिंह ने कह दिया कि हम राजनीति में आए थे तो यह सोच के आए थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने, 370 हटे, और भी कई मामले थे, लेकिन अब वो सपना पूरा हो गया है तो अब वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि जिस दिन जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जाएगा देश में तो वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। साथ ही साथ बिहार में सीएम कैंडिडेट को लेकर कई बार उनका जिक्र हुआ, कई बार सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा तेज हो गई कि गिरिराज सिंह भी बीजेपी की तरफ से सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों ट्विटर पर एक गिरिराज फॉर सीएम करके प्रोफाइल बना जिसको लेकर ये बातें सामने आई। इस बात को लेकर जब गिरिराज सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर ना तो सांसद बनने आया था, ना ही विधायक बनने आया था, और मुख्यमंत्री बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनने लायक भी नहीं हूँ। तो गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया है। अब आने वाले समय में अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जाती है तो क्या गिरिराज सिंह राजनीति से दूर चले जाएंगे या वो फिर बने रहेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। आप बने लाइव सीरीज के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें और हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए liveCities.in पर जाएं। धन्यवाद।